नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल जी आया नु सडी सी रखा ते एलन वसैलन मरहबा और नाजी ये प्रोग्राम जो स्नोबर मैरिज सर्विसेज है ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानियों के लिए है बल्कि इसमें मल्टी कल्चर लोग भी हैं, हमारे पास क्रिश्चियन भी हैं, हमारे पास सिख भी हैं, हमारे पास गुजराती भी हैं, हिंदू भी हैं, इसके अलावा हमारे पास कन्वर्टेड मुस्लिम अंग्रेज लोग भी हैं। उसके अलावा हमारे पास अहमदिया फिक्र से ताल्लुक रखने वाले भी लोग हैं जी, पढ़ी लिखी लड़की हैं, अहमदी बच्चे भी हैं हमारे पास। हाँ जी, और एक स्पेशली ऐसा है कि दे डोंट माइंड कि अगर शिया फैमिली से भी हो या सुन्नी से भी हो, पढ़ा लिखा लड़का हो तो उनके लिए भी रिश्ता दरकार है। 26 ईयर ओल्ड लड़की है, दे मॉडरेट, उनको चाहिए कि अच्छी फैमिली से पढ़ा लिखा लड़का हो तो दे डोंट माइंड, अगर अहले तशरी से हो या सुन्नी भी हो या अहमदिया फिरके से हो। जी नाज़रीन कहते हैं कि ख्याल अपना अपना, नज़र अपनी अपनी और मिजाज अपना अपना। हर इंसान अपनी एक कुनबे से, अपने बरादरी से वो पहचाना जाता है। ये जो ज़ात पात है ये सब इंसानों ने खुद क्रिएट की है, लेकिन जिसको कहते हैं कि इसमें ज़रा पहचान हो जाती है। हर इलाके का एक अपना हसब नसब होता है, एक अपने तौर तरीका होता है, तो इस हिसाब से ये कुनवर बरादरी में लोग बटे हुए हैं, वरना मुसलमान सब एक हैं। और आपको पता है कि इस जी कॉल जी ले लेते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी थोड़ी देर पहले वो मैं आपका एक वो मैं सुन रहा था कॉल, मैंने आपकी देखी है, आपको किसी के बारे में बता रहे थे कि जी वो कोई औरत है तो उसकी 16 साल की बच्ची है, उसके लिए रिश्ते की कोई। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। हाँ जी, तो वो मेरे एक दोस्त हैं लेकिन वो इलीगल हैं यहाँ पर, 5 साल हो गए उनको। अच्छा, तो उनके लिए इनके एक रिश्ते की जरूरत है, हमें वो यहाँ सेटल होना चाहते हैं परमानेंट। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद करूंगी और मेरे पास ही उसकी शादी होगी। बहुत अच्छी लड़की है, शी लुक्स वेरी यंग, गुड लुकिंग है, और चूँकि इस वक्त उसको एक सहारे की ज़रूरत है, खिदमत के लिहाज से, शराफत के लिहाज से, ख़ानदानी होने के हिसाब से, क्योंकि डिवोर्स हो गई है, वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ बैठी हुई हैं और वो फौरी तौर पर शादी करना चाहती हैं। आपके जो भी दोस्त हैं प्लीज़ मुझसे रब्ता कायम करें, प्ले आउट में अपना नंबर छोड़ दें और उनको ज़रूर बताएँ कि ये उस खातून के लिए आपने फ़ोन किया है। डजेंट मैटर उनकी 60 साल है या 70 है, 75 है, जो भी है, वो चाहती हैं कि वो उनकी खिदमत करेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एक बेहतरीन बीवी साबित होंगी। लेकिन उनको जो भी शख्स शादी करेगा वो उनकी बेटी को भी अपनाएगा और उनको उनको तो ज़ाहिर वो अपनाएगा ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए जनाब, क्या किया जाए आपके लिए जी। मेरी आवाज आ रही है आपको जी? बहुत क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है जी, फरमाइए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा अच्छा जी, फरमाइए, आप डिटेल दीजिए। कैसे? मैं इटली से बात कर रहा हूँ जी। जी तो मोहम्मद असगर नाम है मेरा, तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा, फर्स्ट टाइम मैंने आपका प्रोग्राम देखा, तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फिर एक कोशिश की, मैंने कहा मेरे एक दोस्त हैं जी जी, जो कहते हैं अपना मेरे साथ रहते हैं जी, तो वो भी सिलसिले में चाह रहे थे क्या भाई, रिश्ते के सिलसिले में। सही, डिटेल दीजिए आपने दोस्त की प्लीज। हेलो हेलो, अपने दोस्त की डिटेल दे दीजिए, उम्र कितनी है, एजुकेशन वगैरह। मेरा ख्याल आवाज नहीं आपको सही सुनाई दे रही। हाँ, आवाज का भी मामला ठीक करें ना, एक बंदे ने शिकायत नहीं की, काफी लोग कह रहे हैं कि आवाज उनको नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज इसको ठीक करिए जी। हाँ जी, अब आ रही है आपको आवाज? बिल्कुल हल्की आ रही है, आ तो रही है। चले ठीक है जी, बताइए, डिटेल बता दें आप जरा प्लीज। आप ऐसे कीजिए, मेरा ख्याल आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसे कीजिए मुझे ईमेल कर दें उनकी डिटेल्स और विल टेक इट फ्रॉम देयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप भी ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनो भाई जी, मैं मिसेस भट्ट बोल रही हूँ लंदन से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस भट्ट, कैसी हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच जी।
क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? बड़ी प्यारी लग रही हैं, अभी मैं आपकी बातें सुन रही थी तो दिल करता है कि दोबारा यंग हो जाएं और आप हमारी शादी करवाएं। बिल्कुल, वैसे मेरा हाल है सब ठीक हो नहीं सकता, शादियां हो गई है, शादियां कहने लगी, शादी हो चुकी है लेकिन मुझे लगता है कि आप जो रिश्ते करवाती होंगी ना बड़े मजेदार और वो क्या कहती है अंडरस्टैंडिंग करके देख के बहुत जोड़े मिलती होंगी। हाँ जी, और आप यकीन करें कहीं कोई गड़बड़ भी हो जाए ना तो उसको ठीक कर देते हैं। मैं चाहे मुझे वहाँ पहुँच के करना पड़े या किसी भी तरीके से करना पड़े ना तो मैं उनको समझाती हूँ अच्छे तरीके से, कभी नहीं इस तरह नहीं। अभी अभी एक घंटा इंतजार, आधा घंटा मैंने इंतजार करने के बाद मेरी कॉल मिली है लेकिन आपकी आवाज नहीं मुझे सुनाई दे रही कि आप क्या कह रही हैं। जी जी, अच्छा मैंने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो उस गड़बड़ को भी हम ठीक करते हैं। तो यकीन करें कि सिर्फ शादियां करवाते नहीं है बल्कि शादियां बचाते भी हैं। बचाते भी है, बिल्कुल बचाते हैं। कर दे, आप करवा देंगे। अब वैसे अगर दोबारा चॉइस दी जाए तो आप सेम ही साथी चूज करेंगे या हेलो अगर आपको ये बड़ी गलत बात है, अगर आपके मियां पास बैठे तो आप नहीं बता सकती। मेरा ख्याल है अगर सबको चार्ज दी जाए तो बहुत कम होंगे जो से। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ख्वातीन भी चाहेगी कि अच्छी डिश खा ले। आप वो अराई और शेख की बात कर रहे थे, आप कोई आप में से दोनों शेख कौन है, अराई कौन है? आप बताएं। ये शेख, मैं शेख हूँ, ये अराई है। आप तो मुझे कश्मीरी बट लगती है। लाहौर में रही है ना काफी देर, तो वो अक्सर लाहौर में जो रहने वाले हैं कश्मीरी बाटी। जी जी, शेख कानून को से ताल्लुक है, शेख कानून को बरादरी से ताल्लुक है और बिल्कुल जी कश्मीरी और बट देर वेरी मच नियर टू शेख पीपल। जैसे आपको दाल चावल बड़े पसंद है, हमें बड़ी पसंद है शलगम गोश्त उबले हुए चावल बड़े पसंद है, हम लोग की भी मरहूब गजा यही है, तो बहुत सिमिलैरिटी है हमारे खानदान में और कश्मीरी बट में ना, खाने पीने के लिए, खाने पीने के हिसाब से। और भी जी लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। फरमाइए क्या किया जाए। तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के। असल में मैंने आपसे ये बात करनी थी, मेरा एक दोस्त इंटरेस्टेड है। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते करवाते हैं। जी जी, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स दे दूं? जरूर बताइए ताकि सब लोग सुन सकें आपके दोस्त की डिटेल, और फिर इस जब लोग डिटेल सुनते हैं तो फिर प्रपोजल भी आ जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक साहब ने कॉल की क्योंकि हम एक खातून की डिटेल दे रहे थे, तो उसके बाद उसके लिए प्रपोजल भी आ। मेरे दोस्त का नाम है सदाकत। सदाकत, जी 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 जी, हाँ जी। कैसी है बाजी, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप ठीक हो? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो क्या कहते हैं कि चले सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और ये जो सदाकत साहब है यकीनन हर बार सच सच बताएंगे। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है जी, ये पूरे प्रोग्राम में ये कंप्लेन आ रही है, मैं क्या करूं? अब अच्छी हो गई है थोड़ी। अच्छा ठीक है जी, फरमाइए सदाकत साहब को बताएं। यूनिवर्सिटी से जो है एमबीए की है अभी। हाँ जी, और एज उसकी है 27 इयर्स। राइट, खूबसूरत डिग्री, खूबसूरत उम्र। खूबसूरत डिग्री, खूबसूरत उम्र, और खुद भी खूबसूरत। गुड, हिट ट्रैक होगी ये फिर तो। हाँ जी जी, तो आप क्या कहेंगे, कुछ डिटेल्स हमें मिल सकती है? इंशाल्लाह ताला मिलेगी और जरूर मिलेगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा पे पाकिस्तान से आए हुए हैं या HSMPP है, पहले वो बेहतरीन यहाँ पे डिग्रियाँ करते हैं, उसके बाद उनको HSMPP मिल जाता है, उसके बाद ये होता है कि उनको वर्क परमिट के 4 साल बाद इनडेफिनिट स्टे भी मिल जाता है। तो ये बात नहीं है कि वो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए या रहने के लिए शादियाँ करते हैं। ये एक जो आप लोगों ने एक इमेज उनके लिए बनाया है, इसको प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। ये वो बच्चे हैं जिनको 4 साल बाद इनडेफिनिट भी मिल जाता है, और होम ऑफिस ने बिल्कुल सदाकत उसके
उनको इजाजत दे दी है शादी के लिए कि वो किसी भी ब्रिटिशर से या किसी भी यूरोपियन से, किसी भी इस यूके यूरोप के नेशनल, कनाडा, अमेरिका से शादी करके अपना घर बसा सकते हैं। खूबसूरत डिग्रियां हैं, खूबसूरत एज है, और इसके साथ साथ जॉब्स भी हैं उनके पास, और बड़े अच्छे बच्चे हैं। मैंने देखा, मेरे पास आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। तो प्लीज़, जितनी भी ब्रिटिश फैमिलीज की ख्वातीन इस वक्त अपनी बच्चियों के लिए परेशान है, वो ज़रूर इस तरफ अपनी तवज्जो करें, चाहे वो यूके से हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका या कनाडा से हैं। जी जाके साहब, जी लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। हेलो, लेते हैं नेक्स्ट कॉलर, कॉल ड्रॉप होगी, यू कैन कम बैक अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, फरमाइए क्या किया जाए आपके लिए। अभी सनमुरबाजी ने जो, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें कि इसलिए आपको फिर आवाज नहीं आती हमारी। हेलो जी, बात कीजिए जी, फरमाइए क्या किया जाए आपके लिए। वो जी लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, फरमाइए क्या किया जाए आपके लिए। जनाब मेरा कजन है, वर्क पर आया हुआ है। जी जी, तो उसकी 39 ईयर ओल्ड जी, तो वो शादी करना चाहता है। बहुत अच्छी बात। 59 ईयर्स ओल्ड। 39। तो इससे पहले क्या कर रहे थे, वो शादी नहीं की? शादी नहीं की, वर्क परमिट पर आए थे फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में। ओके ठीक है, हमारे पास बच्चियां हैं उनकी एज के हिसाब से, 26, 27, 28, 29, 30, जैसे वो चाहेंगे उसके हिसाब से हम उनको ज़रूर उन फैमिली से, बच्चियों के से बात करवा देंगे जिनकी बच्चियां हमारे से रजिस्टर्ड हैं। फैमिली टू फैमिली उनसे बात होगी, फिर इंशाल्लाह ताला जैसे आगे आप बढ़ना चाहते हैं बढ़ें, तो प्लीज़ गेट हिम रजिस्टर्ड विद अस। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें और उनकी डिटेल ईमेल हमारे पास नहीं।